ओवुलेशन क्या होता है कि जब सेकेंडरी ओसाइट जब ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ के निकलता है बाहर, उसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम लेयर उसी दौरान बन चुका रहता है, 14 डे तक बन के तैयार हो जाता है, और फिर जैसे ही एलएच का सर्ज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तो ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है और फिर सेकेंडरी ओसाइट उसमें से निकल के बाहर आता है। सेकेंडरी ओसाइट फिम्ब्रिया की मदद से अंदर फिलोपियन ट्यूब में ढकेल दिया जाता है, और किताबों में इस को एग भी कहा है। कॉन्ट्रेक्शन होता है फिलोपियन ट्यूब में, और जिसकी वजह से वो यूट्रस की तरफ बढ़ने लगता है। उस फिलोपियन ट्यूब में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूव कराने में मदद करते हैं। फिर वहां पे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के द्वारा, और जो एग है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है जायगोट में। फिर सीलिया की मदद से ये धीरे धीरे यूट्रस के अंदर ढकेला जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जाके एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है। तो ये कंफर्म होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर एंडोमेट्रियम लेयर 14 डे के बाद धीरे धीरे डिजनरेट करने लगता है, और ब्लीडिंग के फॉर्म में वो फिर बाहर निकलने लगेगा। ये था ओव्यूलेशन। थैंक यू।